सो इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग पेपर, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? ये क्या सवाल था? ऑफ कोर्स किसी भी क्वेश्चन को अपन कितनी तेजी से कर ले वो उसकी स्पीड होती है। नहीं, कीपिंग जोक्स असाइड, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह का सवाल पूछ रहा हूँ, और शायद उस बच्चे ने जो जवाब दिया था वो सही था। पर दोस्तों, यही एक गलती है जो हम अक्सर हमारी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, एंड मैंने भी करी थी। एंड ये चीज़ मुझे सीखने को मिली आशीष अरोरा सर से, जिनका यूट्यूब चैनल है फिजिक्स गैलेक्सी। सो पर्टिकुलरली स्पीड का मतलब होता है कि हम फर्स्ट रीडिंग में ही क्वेश्चन को समझ के और उसके सॉल्यूशन पे कितनी जल्दी मूव कर जाते हैं। दिस डिटरमाइंस कि हम लोग कितने तेज है पेपर में। दोस्तों, आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए और उसके सॉल्यूशन पे प्रोसीड करने के लिए हमें उस क्वेश्चन को कई बार 2 से 3 बार तक पढ़ना पड़ता है, एंड तब हम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे प्रोसीड कर पाते हैं। एंड अगर हम इस चीज़ का टाइम बचा लें और क्वेश्चंस को एक बार में पूरा समझ के उसको अप्रोच करने लगें, तो हम 1 से 1.5 मिनट में उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग काफ़ी चीज़ें ट्राई करते हैं, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हैं, एंड कैलकुलेशंस को तेज़ी से करने की कोशिश करते हैं। पर इन सब चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो कमिंग ऑन टू सॉल्यूशन, जो चीज़ पर्सनली मैंने करी थी, मैं क्या करता था कि लाइक 15 मिनट्स का टाइमर लगाता था, एंड देन केमिस्ट्री के एनसीईआरटी उठा के उसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू करता था। एंड हियर एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें किसी भी लाइन को वापस से रिपीट नहीं करना है, बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि हम लोग हमारा फोकस शिफ्ट होगा एंड हमें कोई एक पर्टिकुलर लाइन समझ नहीं आएगी, बजाय हमने उसको पढ़ लिया है तो हमें उसे पढ़ते जाना है। एंड यू विल नोटिस कि 15 मिनट्स के एंड पे आप 3 से 4 पेज पढ़ लोगे। नाउ यू हैव टू स्टॉप द टाइमर, क्लोज द एनसीईआरटी, एंड एक रफ पेज पे बुलेट पॉइंट्स नोट करने की कोशिश करनी है कि हमने उन 3-4 पेजेस में क्या क्या पढ़ा था। एंड दोस्तों, ऑनेस्टली यू विल नोटिस कि आप अपने फर्स्ट प्रैक्टिस में 10 से 20% से ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे जो भी आपने उन 15 मिनट में पढ़ा था, बिकॉज हमारा फोकस उस समय कई बार हिलता है। एंड इस कारण से पर्टिकुलरली एग्जाम्स में भी हमें क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस चीज़ को रेगुलरली फॉलो करने से आपको आपके मॉक टेस्ट में विद इन 1 वीक ही रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताना कि आपका स्कोर कितना बूस्ट हुआ, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और खूब पढ़ते रहो यार, और मचा दो।